तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपने बिहार की बात करें तो काफ़ी भीषण गर्मी हो रही है। गर्मी का इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। हमारे एरिया की बात करें तो लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर, कभी कभी तो 45 भी हो जा रहा है। अब अगर आप गूगल पे चेक करते हैं तो लगभग 43-44 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। लू भी काफ़ी 3 दिन से चल रहा है और हालत ख़राब कर रखा है। मतलब आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो मरने की भी संख्या लोगों की ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग बीमार होकर लू से मर जा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। और कहीं पे इतनी बारिश है कि बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। जैसे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ पे सिर्फ यही चल रहा था, साइक्लोन का, यानी कि तूफान का, पानी का, पूरा मतलब हालत ख़राब हो रखा था। तो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम अपनी गायों की बात करें तो दाना वगैरह भी कम खा रही हैं, भूसा चाइलेज भी कम खा रही हैं। बहुत 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये फोगर वगैरह लगा हुआ भी काम नहीं कर रहा है। राहत मिलती है रात में जब लू नहीं चलता है, थोड़ा राहत ज़रूर मिलता है इससे। फार्म पे लगाना चाहिए लोगों को, ये चीज़ तो ज़रूरी है। बट जब ऊपर वाले की इतनी मार हो, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो, तो हालत ख़राब हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपने फार्म के बारे में ही बताएंगे कि कौन सी गाय प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई है और कौन सी रिपीट क्यों कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रही बात खिलाने की, तो हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हम लोग ये खिला रहे हैं। प्रेग्नेंट में इशू आ रहा है, कुछ दिक्कतें आई है, तो इस वजह से हमने कुछ चेंज किया है, वो आज मैं बता दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं सबसे पहले रेड वाली गाय। तो रेड वाली गाय तो यार कसम खा के रखी है कि प्रेग्नेंट होना ही नहीं है। लगभग 6 महीने से बार बार हीट में आ रही है और हम लोग इंसेप्शन करते जा रहे हैं। पिछले बार 2 महीने से 2 महीने बाद इंसेप्शन किया, 2 महीने बाद हीट में आई। एक्चुअली हम लोग मिनरल चेंज किए थे। मिनरल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया कौन सा कंपनी का खिला रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, गुजरात की वडोदरा की कंपनी है, सीएम बेओसिस जो बढ़िया मिनरल प्रोवाइड कराती हैं किसानों के लिए। कहीं पे भी मेडिकल पे भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको हमने कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन 1 महीना पहले हमने वीडियो किया था, उसमें बताया था कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था, उनकी पूरी जानकारी भी ली थी। झाड़ के लेवे तो पता चलता है। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है 3 महीना, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि आजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ, ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो ये फिर 2 महीने के बाद हीट में आई, उसके बाद इसको इंसेप्शन किया, फिर से 21 दिन पे 20 दिन पे हीट में आ गई। कल 2 बार इंसेप्शन किया है, सुबह में भी कराया, कल परसों शाम को कराया, कल भी कराया। यानी कि मतलब परेशान करके रखी है, बस इतना समझ लीजिए। मूड तो ऐसा हो रहा है कि इसको अगर दाम मिल जाए तो बेच दिया जाए। दूध भी अगर पूरे दिन की बात करें तो लगभग 4-4.5 लीटर दूध होगा। प्रेग्नेंट भी नहीं है तो पागल करके रखी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसका हम लोगों ने 25,000 दाम रखा है, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। इतना कम दूध में पाल कर और प्रेग्नेंट भी नहीं हो तो काफ़ी नुकसान होता है। जो हमारा अच्छा दूध है, यानी कि जो अच्छी गाय जो अभी दूध कर रही है, जो ये तीनों गाय, इनका दूध भी इनको खिलाने में खर्चा हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे हम शीतल की बात करें तो सबसे बेस्ट गाय हमारा फार्म की यही है। प्रेग्नेंट भी है, लगभग 5 महीने क्रॉस कर रही है। जनवरी 4 या 5 तारीख को इंसेप्शन कराया गया है और अभी प्रेग्नेंट भी है और लगभग 8 से 10 केजी दोनों टाइम का दूध भी है।
दूध काफी अच्छा था, लेकिन ये दो चार दिन से गर्मी जो हो रहा है इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमने बोला जैसा कि खाने में चेंजेस किया है, एक्चुअली जो हम लोग सरसों का खल यूज कर रहे थे 25%, उसको दो दिन से काफी घटाकर मात्र 4 kg दिन का खिला रहे हैं। सोच रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बात भी किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ इसको कम कर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जितना खिलाइएगा उतना उससे सरसों के खल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इतनी गर्मी है सरसों का खल की वजह से भी प्रेग्नेंट नहीं कंसीव कर रही होगी, तो हमने इसको 2 kg भी कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या कन्फर्म मानती है नहीं मानती है। इस बार अगर दाम मिलेगा तो बेच भी दिया जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। इसकी बात करें ये बड़ी गाय की, तो इसको भी इंसेप्शन 6 तारीख को किया गया है, इसको और बड़ी बछड़ी को 6 तारीख को किया गया है। तो ये दोनों गाय और बछड़ी दोबारा हीट में आने के लिए 26 तारीख का वेट करना होगा, जो कि आज 19 तारीख है। और इसकी भी इंसेप्शन हम लोग पिछले 21 दिन पहले किए थे, इसको भी कल इंसेप्शन कराया गया है, ये भी दोबारा हीट में आ गई, तो इसको भी आई अभी हम लोग करवा दिए हैं। बहरहाल इसको नहीं बेचना, लेकिन रेड वाली को बेच सकते हैं। इसका दूध की बात करें तो अभी गर्मी से थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन 10 लीटर कंटिन्यू कर रही थी, लगभग 4 महीने प्लस प्रेग्नेंट, सॉरी 4 महीने बच्चे देकर हो गए। और भैंस की बात करें तो यार ये दोनों भैंस हो सकता है ये दोनों बेचूं या ये बेचूं, अगर कोई ये दोनों की ग्राहक है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, बकेन है ये। इसकी बात करें तो लगभग 7 kg से 8 kg दूध इसका दोनों टाइम का है, उसका लगभग 6 kg 5 kg दूध उसका है, ये दोनों बेच सकते हैं। भैंस की बात करें तो भैंस अगले इस महीने के लास्ट में बच्चा देने वाली थी, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा खास जैसे ढील ना होता है ना, वो ऐसा अभी तक के एहसास नहीं हो रहा है, और आगे वीडियो में दिखाऊंगा भैंस को भी। इन सभी बछड़ियों की बात करें तो इसका हमने 6 तारीख को इंसेप्शन किया है, बाकी इसका 6 तारीख के बाद इंसेप्शन हुआ है, शायद 15-20 इसका डेट कंफर्म पता नहीं है। और बाकी ये दोनों बछड़ी भी हीट में आ रही है, यानी कि हक कर रही है, लेकिन डिस्चार्ज उस काबिल नहीं है कि इंसेप्शन किया जाए, और मैं चाह भी रहा हूँ कि ये गर्मी निकाल दिया जाए, ताकि हीट में गर्मी निकालने के बाद इंसेप्शन करने पे अच्छा होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कंफर्म प्रेग्नेंट मानने का। अब हमारी बछड़ी एक है जिसने इज्जत बचा रखी है हमारी, ये है हमारी वो बछड़ी जिसने इज्जत बचा रखी है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं यार, क्योंकि इतना सारा इंसेप्शन लगभग 10 से 15 हज़ार का इंसेप्शन हम लोग कर चुके हैं, ये सीमें लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कन्फर्म नहीं होता है ना, तो काफ़ी दिल टूटता है, लेकिन कर भी नहीं कर सकते कुछ। ये बिजनेस ही ऐसा पड़ाव वाला है कि आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। बहरहाल बहुत कुछ, जितना आप कठिन परिस्थिति आपके फार्म पे आएगा उतना ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा, ये चीज़ हमने देखा है। और बहुत सारे फार्मर का भी कहना है कि आपको कम से कम 1000 दिन आपके फार्म पे आपको देना होगा और आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक कि प्रेग्नेंट हमारी बछड़ी जो हमारे बाड़े में देख पा रहे हैं, ये बछड़ी अगर दूध पे आ जाए, जैसे कि हमारी 2 बछड़ी और दूध पे आई है, तो मज़ा आ रहा है उनका दूध निकालने में, 20 kg उसका दूध, गर्मी से थोड़ा बहुत कम हुआ है, और इसका लगभग 2 थन से 10 kg दूध कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खा रही होगी और उसको खिलाकर कितना दूध लिया जा रहा होगा। बहरहाल इस बछड़ी का लगभग 1 महीना प्लस हो गया, पिछले 15 तारीख को इंसेप्शन किया गया है, इसको 1 महीना प्लस हो गया इंसेप्शन करके, दोबारा हीट में भी नहीं आई है, और इसके ज्वाइन को देखकर ऐसा लगता है कि ये कंसीव कर जाएगी, अगर ये कंसीव नहीं करी तो समझ लो यार मैं परेशान हो जाऊँगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बिजनेस ही ऐसा है कि हार नहीं मानना है, और आगे वीडियो में भी आपको दिखाते रहेंगे। बहुत सारे लोग मज़े लेते हैं, मज़े लेने वाले को मज़े लेने दीजिए, और बहुत सारे गलत कमेंट भी करते हैं, उनको गलत कमेंट करने दीजिए, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भाई करना चाहता है, जिसका हौसला है, वो गलत कमेंट देख के थोड़ा हौसला उसका ख़राब होता है और वो पस्त हो जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सभी को खुश मैं नहीं कर सकता, हर किसी को खुश कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जो हर किसी को खुश कर सके। बहरहाल फार्म के अंदर आप फार्म करना चाहते हैं, ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस करा जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपको सीखना तो ज़रूर पड़ेगा फिर, लेकिन अगर जब जहां सीख लेते हैं तो आपको कोई कंपटीशन में कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा, मतलब आपके आगे कोई जा नहीं पाएगा, ऐसा भी एक बिजनेस है। जैसे कि अगर जो हमने सीखा है इसके अंदर लगभग 2-2.5 साल में, वो मुझे कोई हरा नहीं सकता, नए आदमी को वो सीखना पड़ेगा, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो जाए। बहरहाल इस भैंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा बहुत लूज देखने के लिए मिल रहा है इसका थन पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पता नहीं अच्छे से ठगा गया है इसमें,
पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं, कर नहीं सकते, उनकी भी क्या गलती है, गलती तो हमारी है जो पसंद हुआ और आपने खरीद लिया। यहाँ पे जब ये भैंस ब्याह जाएगी तो और अच्छा दूध आएगा। एक चीज़ और, अभी हम लोगों को दूध 1 किलोमीटर दूर पहुँचाना पड़ रहा है। एक्चुअली सुधा के अंदर मैंने पहले भी सुधा की शिकायत बहुत सारे वीडियो में की है, अभी भी इस बार भी ऐसा उन्होंने, ऐसा लोगों ने, सुधा के स्टाफ हैं या जो भी हैं, सुधा के लोगों ने ऐसा काम किया है जो बोलना वाजिब है, लेकिन इस पर पूरा चर्चा करूंगा। एक्चुअली हम लोग परसों के इवनिंग में यानी 15 तारीख को हमने दूध भेजा था लगभग 20-22 लीटर शाम के टाइम में। दूध हमारा 2.5 यानी 2.5 का फैट हो गया और 10 का SNF हो गया। जब वहाँ परभारी का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि यूरिया था आपके दूध में, तो दूसरे दिन हमने उनसे बहस भी की इस बात पे कि हम लोग यूरिया नहीं डालते हैं, ये क्यों करेंगे, ऐसा वैसा जो भी हो। फिर उनसे जब दूसरे दिन उन्होंने बोला कि भाई आप शाम के टाइम में दूध कैन में देने से पहले उसमें से सैंपल निकाल कर डायरेक्ट BMC आ जाइएगा। जब हम लोग BMC गए तो हमारे दूध का फैट 3.7 और 8.3 का आया, SNF 8.3 का, और जब फिर से केन का फैट SNF चेक किया गया तो 3.0 और 9.0 का SNF आया और यूरिया फिर से बताया। तो हमने ये बात रखी तो उन्होंने बोला कि गाड़ी चेंज कर दीजिए। बहरहाल गाड़ी चेंज करने से समस्या का हल नहीं होगा, उस एक दिन का तो हमारा लगभग 900 से 1000 का दूध का नुकसान हो ही गया, उसका कौन भरपाई करेगा। दूसरा ये कि जब कितने बार हम लोगों ने वीडियो में बोला है कि इसका कुछ समाधान निकालिए, सैंपल का अलग से ये किया जाए, अलग से सैंपल बॉक्स बनाइए, सैंपल बॉक्स गाड़ी में डायरेक्ट ड्राइवर के सामने, जो गाड़ी के साथ आते हैं वो बंदे के सामने हम सैंपल निकाल के उनके बॉक्स में डाल देंगे, जो बॉक्स सील पैक होगा उसमें हम लोग दे दिया करेंगे, ताकि वो जिस किसी का प्रॉब्लम हो तब आप उस सैंपल को निकाल के चेक करें, अन्यथा जो केन का दूध है वही चेक करके आप फैट SNF बता सकते हैं। बहरहाल इस पर पूरा बात करेंगे। एक्चुअली हमारे एरिए में, बिहार के अरवल ज़िले में 2 BMC हो रहा है, एक अरवल में खुद है और एक दूसरा कुर्था एक एरिया है, वहाँ पे BMC लग रहा है। तो 21-20 तारीख को उनका वहाँ पे उद्घाटन है, जो हमारे कुर्था के विधायक जी करेंगे, वहाँ पे सभी को निमंत्रण भी किया गया, कोशिश किया जाएगा कि वहाँ जाया जाए। बहरहाल सुधा के अंदर तो दिक्कतें हैं, कब सुधार होगी ये पता नहीं, इस पर पूरा बताऊंगा आगे क्या हमारा समाधान निकालते हैं, क्या करते हैं। उस दिन का दूध का पैसा मिलता है, नहीं मिलता है तो बवाल तो है ही, क्यों नहीं मिलेगा, जब अगर किसान इतना मेहनत से हम लोग दूध पैदा कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी हेवी गर्मी में 45-42 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे हो रहा है, वहाँ से दूध निकालना, गाय को सुरक्षित रखना, बिना बीमार किए हुए अच्छे से खिला पिला कर रखा जा रहा है ताकि अच्छा दूध आ सके और अच्छा फैट SNF आ सके, और उस किसान का अगर ये हाल हो, मेरा ही एक प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वीडियो में शेयर कर देते हैं, जो किसान ना तो वीडियो को जानता है ना कुछ कर पाता है, वो बस तो पैर ममूर के रह जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ना तो कोई सुविधा है किसी तरह का बताने की कि हाँ भाई मेरे साथ ये दिक्कत हुआ या जो भी हो, वो बेचारे बता नहीं पाते, वो तो बस एक दो बार फ़ोन करके रह जाते होंगे। हम तो आपके साथ शेयर भी करके थोड़ा अपना गुस्से को ठंडा कर लेते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा हमारा वीडियो, फ्यूचर में हम लोग पूरा सुधा के ऊपर डिपेंड, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और हमारा दूध का क्या हुआ, हम लोग वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि सुधा ने कैसे हमारे साथ गलत चीटिंग की। सुधा ने मीन्स सुधा के लोगों ने, स्टाफ में चाहे कोई भी हो ऊपर से लेकर नीचे, मैं तो नहीं जानता, मैं तो सुधा को ही डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि आपने ही स्टाफ रखा है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे आपके सैंपल चेक करने वाले हो, चाहे आपके कोई भी बंदा हो, हम जब अगर सही दूध दे रहे हैं तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। बहरहाल इस पर पूरा वीडियो आगे वीडियो में, अगर चाहते हैं इस पर वीडियो बनाना तो हम लोग पूरा प्रूफ के साथ वीडियो देंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, हम लोग पूरा फार्म का अपडेट दिया, वीडियो को अभी तक कमेंट नहीं किया तो ज़रूर बताएं यार ये भैंस का बच्चा देगी यार, ये ज़रूर कमेंट करना, मैं तो इससे हार मान गया हूँ, लेकिन बहरहाल कर नहीं सकते, ये दिल की हंसी नहीं है, रोया जा रहा है, क्या करूँ, कर भी नहीं सकता कुछ। बहरहाल जो प्रॉब्लम था वो तो होना ही है, जो हमने गलतियाँ किए हैं उसको तो झेलना ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।